अच्छा, एसईओ का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है और लाइक उनसे मैसेज पोस्ट शॉर्ट कैसे शॉर्ट करना हो, लाइक आपको स्टार्ट में पता होना चाहिए ना कि स्टोरी कितनी लिखी जा सकती है. मतलब आपको अगर कहा जाए कि इतने वर्ड्स की लिखें तो वो तो आप उसी लिमिट में रह के लिखेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार लिख ली है और फिर आप उसको शॉर्ट करना चाहती हैं, देन जस्ट रीड द स्टोरी. आपको उसमें से पता चल जाएगा कि ये पार्ट अगर ना भी हो तो चलेगा, तो उस पार्ट को ही आप उसमें से निकाल दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सेसिव डाल देते हैं, तो उनको हम मतलब ऑमिट कर सकते हैं उसमें स्टोरी में से. ठीक है, समझ आ गई आपको मिशी? ओके ग्रेट. अच्छा, तो एसईओ का था कि एसईओ क्या होता है. अब ये कि अगर आप मतलब फर्स्ट करें, आप जैसे किसी चीज को सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कोई रिस्ट वॉचेस हैं या कोई भी चीज है जो आप कह रहे हो कि भाई मैं ये सर्च करूं, मुझे ऑनलाइन कोई चीज मिल जाए या शर्ट्स वगैरह या कोई भी चीज. ठीक है, तो आप क्या सर्च करोगे? आप वहां लिखोगे कि टी शर्ट्स या फिर अफोर्डेबल रिस्ट वॉचेस लाइक दिस. ठीक है, आप ये सर्च करोगे. तो जिस बंदे ने अफोर्डेबल रिस्ट वॉचेस का कीवर्ड यूज किया होगा, और जो कीवर्ड यूज करने का पूरा तरीका जो आगे आपको पता चलेगा उस तरह से यूज किया होगा, तो वो वाली जो वेबसाइट्स हैं वो वहां पे आ जाएंगी. एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर. वन सेकेंड. अच्छा, जस्ट अ सेक. कहाँ गई स्क्रीन मेरी? अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर मैंने टाइप किया ना रिस्ट वॉचेस, सही है. तो अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो लोगों ने टाइप किया हुआ या लोगों ने सर्च जो चीजें की हुई, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि रिस्ट वॉचेस फॉर विमेन, रिस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, रिस्ट वॉचेस ब्रांड्स. ये गूगल खुद अपने आप से हमें सजेशंस दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग जो हैं इस चीज को सर्च कर चुके हैं. ठीक है, तो अब अगर हम रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन सर्च करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इन्होंने जो है टाइटल में वुमेन्स वॉचेस यूज किया हुआ है. ठीक है, और नीचे आप ये देखिए कि इनके यहाँ पर भी रिस्ट वॉचेस है, इनके यहाँ पर भी एक कीवर्ड यूज हुआ है रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन. तो ये एग्जैक्टली वही कीवर्ड है जो मैंने सर्च किया, इसलिए इनकी साइट यहाँ पर आ रही है. नहीं तो अगर इन्होंने यूज किया होता ना कि वुमेन वॉचेस या इस तरह की कोई चीज, तो ये यहाँ पर हमें ये शो ना करता ये रिजल्ट. ठीक है, ये सिर्फ इसलिए शो हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जो भी कॉन्टेंट नीचे है उसमें प्लेस किया हुआ है. ठीक है, अब हम नीचे देख लेते हैं. अब नीचे जो सेकेंड नंबर पे आ रहा है उसमें ये देखें वुमेन वॉचेस आ रहा है, देन रिस्ट वॉच और वुमेन भी इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है. इस तरह से ये सारी चीजें गूगल ने जब देखी कि भाई ये इस साइट में आ रही है, इस साइट पे आ रही है, तो उसने फिर हमें ये वाली साइट्स दे दी. नहीं तो बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जिन पे रिस्ट वॉचेस होंगी, लेकिन गूगल हमें ये वाली क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने सर्च किया है रिस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, तो हमें वो ये इसलिए दिखा रहा है, ये साइट्स दिखा रहा है क्योंकि इन पे यही चीजें यूज हो चुकी हैं, इनकी साइट पे, इनके पेज पे ये चीजें पड़ी हैं. गूगल ने वो पेज ढूंढा है और वो जाके हमें पेज उठा के ला के दे दिया है, उसका लिंक भी ऊपर दे दिया है. ये दराज पीके की साइट है, उसके आगे ये उसके पेज का आगे लिंक है, विमेन्स वॉचेस का उनका आगे कैटेगरी है उसका ये लिंक है, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया. ठीक है, अब अगर हम कुछ और सर्च करते हैं, लाइक क्या सर्च कर सकते हैं हम यहाँ पर, चलें कॉस्मेटिक्स सर्च करते हैं. यहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक सर्च करके देखते हैं क्या आता है. अच्छा, सर्जरी भी सर्च कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर अब हम सर्जरी अगर किया है तो यहाँ पर हमें ये पूरा एड्रेस आ रहा है कि इस्लामाबाद में फलानी जगह है और वहाँ पे ये लेजर सेंटर है, इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी यूज किया हुआ. अब आप यहाँ पे देखें, इनके टाइटल में भी है, इनके डिस्क्रिप्शन में भी है, इनकी फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड्स भी यही है, सेकेंड लाइन के भी यही है, देन सर्जरी का यहाँ पे यूज हुआ है, देन सर्जरी का यहाँ पे यूज हुआ है. तो ये सिर्फ हमें गूगल से सर्च जिस तरह से किया है, गूगल ने हमें जिन पे ये वाला यूज हुआ है कीवर्ड. ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होपली ये चीज कीवर्ड वाली.
तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन है मिशी आपका? मैं सही देख लूँ मैसेज को। एनी क्वेश्चन गाइस? ओके ओके, सही सही, ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये समझ आ चुकी है कि भाई किस तरह हमने सर्च किया है और हमें गूगल ने वही पेजेस ला के बताए हैं जिन पे वो चीज यूज हुई है, कीवर्ड्स उन्होंने इस तरह से यूज किया है। ठीक है, अब हम जो है वो आगे जाते हैं। अब हमने सर्च करने वाला कर लिया कि भाई किस तरह सर्च करते हैं और हमें रिजल्ट्स कैसे, उसके रेलेवेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारा उसी के बारे में है कि किस तरह से हम लोगों ने उसी तरह टारगेट किया। भाई कोई बंदा उसी तरह सर्च करेगा तो उसको वही चीज नजर आएगी। अब यहाँ पर आप इसको देख लें कि एसईओ का क्या प्रोसेस होता है। ये पूरा एसईओ का प्रोसेस है, लाइक इट्स नॉट जस्ट कंटेंट। पहले, सबसे पहले हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो ना, लाइक अगर आपको कोई कहे कि मेरी ये साइट है, ये पेजेस इसके लिए लिखने हैं, तो वो आपको ऑलरेडी कीवर्ड्स बता देगा। मोस्टली ये होता है। अगर ऐसा ना हो तो आप लोगों को खुद भी रिसर्च करनी पड़ जाती है। लाइक आप गूगल का यूज कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर वो आप यूज कर सकते हैं। वो ना करें तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट गूगल कीवर्ड प्लानर मोस्टली चलता है। तो फिर आप कीवर्ड्स उसके लिए सर्च करते हैं, देन उन कीवर्ड्स को यूज करते हैं आगे। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा मतलब एक एसईओ का प्रोसेस है, किस तरह से लिंक बिल्डिंग की जाती है, देन उसके बाद उसको फ्रेश रखा जाता है, देन उसके बाद उस पे जो ट्रैफिक आ रही होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है एंड ऑल। ठीक है, ये एसईओ का प्रोसेस है पूरा। तो सबसे मेन जो इसमें चीज है कि आप कीवर्ड्स किस तरह से यूज करोगे, वो सबसे मेन चीज आती है। ठीक है, और किस तरह से आप फिर उन कीवर्ड्स को यूज करोगे, हर मतलब पेज पे आपने किस तरह से उनको किया और किस तरह से आपके कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। ठीक है, आपने कीवर्ड सर्च किए, देन कोई एक कीवर्ड उसमें से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसी कीवर्ड को यूज करते हुए आपने कंटेंट राइट किया पूरा, जितने भी वर्ड्स का, 500, 300 और 2500 इवन। तो ये आपने करके लिख के देन उसको उस साइट पे प्लेस किया। और जब वो आपने उधर प्लेस किया है, तो लोग, ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए कि लोग उसको शेयर करें, क्योंकि यकीनन हमें ट्रैफिक इसी तरह आएगी कि लोग उसे शेयर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें ट्रैफिक भी नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत से तरीके होते हैं ट्रैफिक लाने के, बट एक मेन कंटेंट की तरफ से ये होता है कि आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए और फिर वो कहें कि यार ये साइट अच्छी है, मुझे यहाँ पे आना चाहिए, इस साइट पे आके विजिट करना चाहिए, इनका कॉन्टेंट अच्छा होता है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कोई इनकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही होती है ना। और ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। और सबसे पहले आपको क्वालिटी का ख्याल रखना होता है। जो भी आप कंटेंट प्लेस करने जा रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो यकीनन कोई पढ़ेगा नहीं, उसको शेयर नहीं करेगा। अगर उसको शेयर नहीं करेगा तो कंटेंट प्लेस करने का वो जो मतलब है वही खत्म हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अब ये गूगल की रैंकिंग का अल्गोरिथम यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट शो किया हुआ है कि ये बाकी चीजें तो आ गई, लेकिन जो हमारा मैटर करता है वो ये चीज के एंकर टेक्स्ट है यहाँ पर, और एक्सटर्नल लिंक्स जो पेज पे आ रहे हैं, एंड ऑन पेज कीवर्ड यूसेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15.04 एंड 20.26% जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है, और उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो आप देखेंगे एंकर टेक्स्ट पे और एक्सटर्नल लिंक्स पे कितना ज्यादा मैटर कर रहा है ये। अच्छा, एंकर टेक्स्ट किसको कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? आप लोगों को पता होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट किसको कहते हैं बच्चों? और गुड, मुझे यहाँ पे कहीं अमरीन नजर आई है। और सबा भी नजर आ रही है मुझे, वैसे यहाँ पर जवाब नहीं आ रहा। सबा एंड अमरीन या फैसल, आई गॉट योर आंसर।
या फिर वो आगे जाके क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा मेरी। ओके सबा और अमीन जहाँ से निकलने से कोई बात नहीं। अच्छा मिशी, ये एंकर टेक्स्ट ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट लिखो या मुझे आप लोगों को बता ही देना चाहिए। वन सेकंड, मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर ये खोल के। एमएस वर्ड नहीं खुलेगा क्या मेरे पास? ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा है ना, ठीक है, इसको मैंने अब इसमें यूआरएल डालना है। लाइक अगर मैं रिसोर्सेज को सिलेक्ट करूँ, आप लोगों ने देखा होगा लाइक कि आप कहीं भी किसी भी साइट पे सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे लिंक्स होते हैं, आप उन पे क्लिक करें। या मैं आप लोगों को ये डालना भी बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर लिंक्स होते हैं। मैं कोई साइट यहाँ से खोलती हूँ, मे बी यहाँ पर कोई हो इनके पास। ओके अगर यहाँ पर अब मुझे मिल नहीं रहा कि कहीं पे एंड कर देखिए। ओके ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा ये यहाँ पर देख लें, अगर कोई यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि हाउ डू वी रैंक आवर क्लिनिक्स। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और नए पेज पे ले जाएगा। और फर्स्ट करें हम इसी पेज के लिंक को उठाते हैं यहाँ से, और हम ये जो हमने रिसोर्सेज का लिखा है इस पे हाइपर लिंक प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हाइपर लिंक में जाकर इसका यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास लिंक बन गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे, वो क्लिक करके बता देती हूँ। ये देखो इसको मैंने क्लिक किया है और ये यहाँ पे मुझे नया वो खोल देगा। ये मुझे बताएगा कि आपने किससे खोलना है, गूगल से और व्हाटएवर होना दू। तो मैं गूगल से खोलूंगी तो ये मुझे वही उसी लिंक पे ले जाएगा जो मैंने लिंक डाला है। तो आप यूँ हाइपर लिंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा ये हो गया एंकर टेक्स्ट का बता दिया मैंने। और जो नए बच्चे आए हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज साथ साथ। अच्छा वो मैंने बता दिया है कि आपने ऐसा कंटेंट लिखना है कि जो लोग हैं वो बहुत खुशी खुशी उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि वो शेयर करेंगे तो और लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी, तो इस वजह से जो है आपका रैंकिंग जो है वो गूगल पे ज्यादा होती जाती है।